35 देश और 270 दिनों का एक लंबा सफर पूरा करने के बाद मुंबई के देवाशीष 26 मार्च को अपने घर पहुंचे। 48 साल के देवाशीष अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ जून 2017 में अपनी BMW बाइक से यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि सफर की सबसे खास बात यह थी कि उनकी मुलाकात तमाम ऐसे लोगों से भी हुई जिन्होंने आज तक किसी हिंदुस्तानी को नहीं देखा था। उन्होंने इस यात्रा के बीच करीब 13 घंटे लगातार बाइक चलाकर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक का सफर तय किया। उन्हें 80 के दशक में सबसे पहले एक कावासाकी की 100cc की बाइक मिली थी और उससे ही राइडिंग के इस जुनून की शुरुआत करते हुए उन्होंने बीते 30 सालों में बाइक से करीब 68,000 किलोमीटर का सफर तय किया। द मीडियागिरी की रिपोर्ट।